स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। ॐ सहनाभवतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हमारे इस कठोपनिषद के चिंतन में हम आगे बढ़ते हैं। अब कठोपनिषद का ये जो हिस्सा हम पढ़ रहे हैं, इसका मूल जो केंद्र है, जो फोकस है, वो इस विषय पे है कि जिसे हम इंद्रिय निग्रह कहते हैं। स्वामी विवेकानंद एक बात कहते थे कि हम जब भी आध्यात्मिकता, धर्म या फिर इस प्रकार से अतींद्रिय सत्ता वाले विषयों पर अपना विचार रखते हैं, इसके बारे में सोचते हैं, तो उस समय हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि इसे हम अपने जीवन के साथ कैसे संबंधित करें। ये नहीं कि हमने कोई सिद्धांत पढ़ लिया जिसका कोई हमारे जीवन के साथ संबंध ही ना हो और उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें कह दी और हमारा जीवन वैसे ही चलता रहा जैसे पहले था। अर्थात हमारे जीवन में एक परिवर्तन आना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति खाना खाता है तो उसमें क्या परिवर्तन आता है कि उसे शक्ति मिलती है, उसकी क्षुधा दूर होती है और उसके अंदर जो पौष्टिक तत्वों का जब संचार होता है तो उसे ऊर्जा मिलती है। इसी प्रकार से जब हम इन ग्रंथों को पढ़ते हैं तो हाँ, गीता में ऐसे लिखा है, उपनिषद में ऐसे लिखा है, उसको प्रणाम करके लेकिन उससे कुछ ग्रहण ना करके आगे जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सिर्फ किताबों को प्रणाम करें तो ये हमारी मानो पहला सोपान है कि हम उनको श्रद्धा करते हैं, लेकिन सिर्फ श्रद्धा से नहीं होगा। उस श्रद्धा के साथ साथ उपनिषद में एक बात आती है कि श्रद्धा के साथ साथ ज्ञान भी आना चाहिए। इसके लिए एक छोटा सा एक घटना बहुत साल पहले दिल्ली आश्रम में हुई थी, आज से लगभग 60 या 70 साल पहले। श्रीमद स्वामी रंगनाथन जी महाराज उस समय दिल्ली आश्रम में नए आए थे। आज अगर कोई दिल्ली आश्रम जाए तो देखता है एक भव्य मंदिर है और लाइब्रेरी है, हॉल, दो हॉल हैं, एक सुंदर एक लॉन है बीचों बीच। उस समय इतना कुछ नहीं था तो लॉन पर बैठ के पूज्य महाराज भगवत गीता पर, विशेषकर भगवत गीता पर रविवार का उनका प्रवचन होता था, तो महाराज अंग्रेजी में ही बोलते थे और सुनने में बहुत लोग आते थे, 2 से 3 हज़ार लोग होते थे। उस ज़माने में जब नए भारत को नया नया आज़ादी मिली थी तो भारत के राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री भी कभी आ जाते थे, बहुत से जो राजदूत थे वो भी आ जाते थे, क्योंकि दिल्ली में उतनी सब व्यवस्थाएं नहीं थी ऐसे आज हैं। तो महाराज ने एक बार देखा कि उनके लेक्चर में कुछ महिलाएं आती और वो पीछे बैठ के, सर्दी के दिन थे, वो पीछे बैठ के ऊन के स्वेटर भी बुनती रहती। तब 3-4 बार देखा तो उन्होंने फिर एक बार उनको बुलाया, अच्छा माता जी, अब महाराज की हिंदी थोड़ी सीमित थी तो उन्होंने पूछा, माता जी आप आती हैं तो आप क्या लेक्चर सुनती हैं? बोले हाँ हम सुनती हैं।
अच्छा, तो कहने का आशय ये था कि तुम तो स्वेटर बुनती रहती हो, क्या सुनती हो? बोले स्वेटर बुन तो अच्छा सुनती हैं? बोले हाँ सुनती हैं। तो कैसा लगता है? नहीं बहुत अच्छा लगता है, हमारा लेक्चर अच्छा लगता है। हाँ समझ आता है? हाँ समझ आता है। अच्छा कुछ बोलिए फिर, आपने इतना कुछ सुना है, इतने दिनों से आ रही हैं सुन रही हैं, कुछ बोलिए। तो उसमें एक माता जी कुछ सोच के बोली, अरे वो तो बड़ी बड़ी वेदांत की बातें, हमें क्या पता। तो ये बड़ी बड़ी वेदांत की बातें हैं, हमारे जीवन से उसका कोई संबंध नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो साधु संन्यासियों के लिए है, ये उपनिषद हमारे लिए नहीं है, ऐसा मन में नहीं आना चाहिए। इस बात को दूर करने के लिए ही स्वामी विवेकानंद ने विस्तार पूर्वक बहुत सी बातें कही। तो जिस उपनिषद के जिस भाग को हम पढ़ रहे हैं उसमें इंद्रिय संयम अपनी हमारी जो ज्ञान इंद्रिय हैं कर्म इंद्रिय हैं इनके संयम के बारे में चर्चा है। अच्छा एक बात और है, ये चर्चा क्यों की जाए? मान लीजिए कोई व्यक्ति कहे मुझे तो धार्मिक नहीं बनना, तो मुझे ये सब चर्चा सुनने से क्या लाभ होगा? अगर हम समाज में विस्तृत रूप से अपना एक दृष्टिकोण डालें तो एक चीज़ पाएंगे कि जहाँ जहाँ भी समाज में भ्रष्टाचार है, आचरण में दोष है, अर्थात बेईमानी है, झूठ है, या उस प्रकार की उनके जो व्यवहार में गलतियाँ हैं, उनके पीछे अगर उनका मनोविज्ञान हम पढ़ने या देखने का प्रयास करें तो एक चीज़ पाएंगे कि ये जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं किस लिए करते हैं, क्यों बेईमान होते हैं, क्यों उनके जीवन में इस प्रकार की गलत चीज़ें दिखाई देती हैं। तो देखें नहीं, उनके मन में कुछ इच्छाएं हैं, इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं। हम अक्सर यहीं तक सीमित रह जाते हैं, नहीं अरे वो तो नियम ठीक नहीं है तो नियमों से वो भाग जाते हैं इसलिए भ्रष्टाचार पनपता है। हाँ नियमों का भी एक महत्व होता है, लेकिन सिर्फ नियमों से ही भ्रष्टाचार या इस प्रकार की कुरूतियाँ जाती नहीं हैं। बहुत साल पहले हमारे एक आश्रम में कार्यक्रम हुआ था, आज से लगभग हो सकता है 8 या 10 साल पहले, वो था कि क्रिमिनोलॉजी अपराध का विज्ञान, क्रिमिनोलॉजी एंड वेदांता, अर्थात वेदांत के द्वारा हम क्या समझ सकते हैं जिससे कि क्राइम या अपराध करने की जो जो एक प्रवृत्ति है वो दूर हो। तो हम देखते हैं कि लोगों में इच्छाएं होती हैं और इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए जब सीधा रास्ता नहीं मिलता तो फिर वो इस प्रकार के शॉर्टकट्स लेते हैं कि पैसा ले लिया या कुछ गलत काम कर लिया जिससे कि उनकी वो जिसको आवश्यकता मानते हैं। पहले तो ये भी उनको प्रश्न करना पड़ता है या करना चाहिए कि तुम्हारी क्या ये सच में आवश्यकता है, जिसको तुम कह रहे हो कि इस आवश्यकता के बिना हम रह नहीं पाएंगे, तुम रह सकते हो लेकिन तुमने सोच लिया है, तुम्हारे मन में एक बात बैठ गई है कि ये अगर पूर्ण नहीं होगी तो मेरा जीवन अपूर्ण रहेगा, ये अपने आप में एक भ्रम हो सकता है। बिना उसके भी व्यक्ति बड़े आनंद से रह सकता है। अब इसमें बहुत से कार्य काम करते हैं। एक बार हमारी एक पत्रिका में, रामकृष्ण मिशन की एक पत्रिका में ये बात प्रकाशित हुई थी कि कैसे हम भ्रष्टाचार को या इस प्रकार की जो गलत अनीतिगत चीज़ें हैं उनको कैसे दूर करें। तो उसमें एक सिंपोजियम किया गया था कि एक बच्चों से पूछे भी तुम क्या इसके लिए कर सकते हो। तो एक स्टूडेंट ने, एक यंग लड़के ने अपनी बात लिखी थी कि कैसे उसने अपने पिता को भ्रष्टाचार होने से रोका। उसने कहा कि मेरे मन में इच्छा आई कि मैं नाइक शूज़ खरीदूँ, ये बहुत पुरानी बात है, और वो 3,000 रुपये के आते थे, आज भी 3,000 बड़ा है, ये तो 20 साल पहले की बात है। तो उसने पिताजी को कहा, पिताजी पुत्र से प्यार करते हैं, उसकी आवश्यकताएं पूर्ण करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है देखता हूँ। अब उसने सोचा
पिता की आय कितनी है? पिता की आय 5,000 है, तो 3,000 रुपये के लिए क्या मेरे लिए वो क्या नाइक शूज खरीद पाएंगे? अवश्य ही नहीं। तो फिर क्या करेंगे? किसी से रिश्वत लेंगे, किसी से पैसा लेंगे। तो फिर ऐसा विचार करके वो अपने पिताजी के पास जाके कहता है कि आप मुझे उस प्रकार का इतना कीमती जूता देने की ज़रूरत नहीं, जो आपके वश में हो, सामर्थ्य में हो, मुझे वही जूता दीजिए। सो यू आर नॉट गिविंग द बेस्ट शू, सबसे उत्तम शू नहीं दे रहे मुझे, बट यू आर डूइंग योर बेस्ट, तुम जितना आप अच्छा कर सकते हो उतना कर सकते हो। तो उसने इस प्रकार से अपने पिता की एक सहायता की, एक सेवा की, और उनको गलत रास्ते पे मानो धकेलने का प्रयास नहीं किया। तो ये तो बड़ा विवेकवान श्रद्धावान बच्चा था। तो हम अगर अपने इस मन की आपराधिक वृत्तियों को देखें तो पीछे क्या होता है, अपराध करने के पीछे क्या होता है? हमने कहा एक तो इच्छाएं हैं, उनको पूर्ण नहीं कर पा रहा, और साथ में इंद्रियों का सुख चाहते हैं, और साथ में अहंकार की भी बहुत उसमें सहयोग होता है। अहंकार का कैसे सहयोग होता है? अब किसी को चाहिए हो कि मेरे को एक घड़ी चाहिए, अब घड़ी चाहिए किस लिए चाहिए? समय देखने के लिए चाहिए, तो उसके लिए अच्छी घड़ी मिल जाती है, कुछ ही पैसों में मिल जाती है। लेकिन उसके मन में और भी है, नहीं घड़ी जब पहनूं तो लोग देखें, कहें हाँ कितनी उसने कीमती घड़ी पहनी हुई है, चाहे वो 50,000 रुपये की एक घड़ी हो, या कुछ ऐसी घड़ियाँ भी आती हैं जिसमें हीरा लगा होता है। अरे हीरा लगा हो या अन्य कुछ चीज़ें लगी हो, उसका उद्देश्य तो सिर्फ टाइम दिखाना ही है, हम ये भूल जाते हैं। एक व्यक्ति बहुत ही बेशकीमती घड़ी पहनता है और कभी भी किसी समय पे नहीं आता, तो फिर क्या फ़ायदा हो? तो उसका दिखावा ही हो गया, और दिखावे के पीछे क्या है? एक प्रकार की ईगो सेटिस्फैक्शन, मेरे अहंकार की पूर्ति होगी, लोग कहेंगे ये देखो कितना ये इसके पास पैसा है। असल में पैसे की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो सुनने के लिए, वो प्रशंसा सुनने के लिए, वो एकदम एक झूठी सराहना सुनने के लिए, हाँ मैं तो बहुत विशेष हूँ। तो ये विशेष कौन है? तो ये अहंकार की ही तो बातें हो रही हैं। तो हम अगर अपने मन का ठीक ढंग से विश्लेषण करें तो देखेंगे, या तो अहंकार जिसके विभिन्न रूप होते हैं, जैसे किसी से प्रशंसा चाहना, किसी की वाह वाह चाहना, किसी को कहना कि हाँ मैं तो बड़ा महान हूँ, इस प्रकार की बातें सुनने की जो इच्छा है। रामचरितमानस में जब बात आती है कुंभकर्ण को उठाने की, कि कुंभकर्ण सोए हुए हैं उनको उठाना है, तो उस विषय में एक कथाकार ने एक बार बात कही थी। कथाकार मतलब श्री रामकिंकर उपाध्याय जी महाराज, जो महान विचारक थे इस दृष्टि में। वो हमारे आश्रम में भी, कानपुर आश्रम में भी उनका प्रवचन आज से 30-40 साल पहले हुआ है, पद्मश्री से अलंकृत किया गया था उनको बाद में। तो उनकी एक बात आती है, कहते देखो जब हम अच्छा काम करने लगते हैं, मानो राम और रावण का जो युद्ध है, हमारा जीवन का एक युद्ध, वो उसका एक प्रतीक है। तो बोलते हैं कि हम अच्छा काम करने लगते हैं तो एक समय आता है जब हमें अच्छाई की बड़ा अहंकार हो जाता है कि मैंने इतना अच्छा काम किया है। तो वैसे ही पहले बहुत से युद्ध हो चुके हैं, युद्ध के बहुत से स्तर हो चुके हैं, अब कौन जागता है, किसको जगाया जाता है? बोले कि कुंभकर्ण को। जब कुंभकर्ण क्या है? तो बोले अहंकार का प्रतीक है, उसके जो कर्ण हैं, उसके जो कान हैं, वो कुंभ जैसे हैं। कुंभ अर्थात घड़े, विराट बड़े बड़े घड़े हैं। तो जो व्यक्ति बड़ा अहंकारी होता है उसको प्रशंसा की बड़ी आवश्यकता होती है। तो उसके चापलूस लोग चारों ओर बैठे रहते, कहते आहा तुम कैसे चलते हो, तुम्हारी नाक कैसी है, तुम्हारा ये कैसा है, वो उसकी प्रशंसा में लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसको अच्छा लगता है, उसके कानों में वो बड़ा अच्छा लगता है, हाँ मेरी कोई प्रशंसा करे। तो इसीलिए कहते जब कुंभकर्ण को उठाते हैं तो वो इतना कुछ खाता है, तो वो एक प्रकार का उसका एक सिंबॉलिक अर्थ होता है।
तो या तो अहंकार की पूर्ति के लिए, अपने इस तथाकथित फॉल्स प्रेस्टीज के लिए लोग इतना काम करते हैं, और या फिर अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए। अब इच्छाओं की पूर्ति देखिए, बहुत तो चीज़ें हमें, चीज़ें जो आवश्यक हैं, जो एक व्यक्ति को एक सभ्य और एक डिग्निफाइड जीवन जीने के लिए हैं, वो सब मिल जाती हैं। लेकिन उसका दिखावा, उसको दूसरों के प्रति, दूसरों के ऊपर एक प्रभाव डालने की जो इच्छा, उसका कोई अंत ही नहीं है। तो एक कहते हैं ना, प्रसिद्ध बात है, शायद महात्मा गांधी जी की है, कि देर इज़ इनफ टू मीट द नीड ऑफ एवरी वन बट नॉट इनफ टू मीट द ग्रीड ऑफ योर वन पर्सन। अर्थात व्यक्ति की जो आवश्यकताएं सारी पूर्ण हो सकती हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति की प्रलोभन को दूर करने के लिए संसार सफिशिएंट नहीं है, उसको और चाहिए और चाहिए। तो इन बातों को हम मन में रखते हुए कठोपनिषद के इस श्लोक को पढ़ते हैं। हम इसमें एक उदाहरण को पढ़ रहे हैं। क्या उदाहरण है? कि मनुष्य शरीर, मनुष्य की इंद्रियां, मनुष्य का मन, मनुष्य का बुद्धि, ये जो चार चीज़ें हैं, ये मानो एक रथ जैसे। हम सबके पास, वैसे तो हमारा शरीर एक रथ है, शरीर एक रथ है, ये रथ धीरे धीरे, फिर अभी तो स्ट्रांग है, फिर धीरे धीरे ये इसके पुर्जे सब लूज़ होने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे दर्द हो रहा है, वहाँ पे दर्द हो रहा है, तो फिर बोलते हैं कि अब ये रथ पुराना हो गया। तो अभी तो रथ अच्छा है, बोले रथ में जैसे पहिए लगे होते हैं, रथ आगे भागता है, तो शरीर कैसे आगे भागता है? तो इंद्रियों से आगे भागता है। वो इंद्रियां क्या है? मानो रथ के घोड़े हैं। तस्य इंद्रियाणि वश्यानि सद अश्व इव रथा, अश्व इव रथे सारथे है। और उसके अंदर, रथ के अंदर एक सारथी बैठा हुआ है। सारथी कौन है? जो बुद्धि रूपी, जो हमारे अंदर एक ड्राइवर है, सारथी है, बुद्धि चलाती है। अगर बुद्धि में अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो सारा कुछ गड़बड़ हो जाता है, वो मेन स्विच है। अगर मेन स्विच में कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। तो बोले कि अगर एक व्यक्ति की बुद्धि पवित्र है, मन में कुछ बुरे विचार नहीं आने देता हो, यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा, अर्थात जो बुद्धि रूप सारथी सर्वदा संयमित मन के साथ युक्त होकर विवेकी रहता है। इसको फिर पढ़ते हैं कि जो बुद्धि रूपी सारथी है, हमारे अंदर एक, सबके अंदर एक सारथी है। सारथी जैसे भगवान कृष्ण का नाम, एक नाम है पार्थ सारथी, अर्थात वो अर्जुन के रथ को हांके थे। तो अर्जुन का नाम क्या है? वो पार्थ है, तो पार्थ सारथी। मद्रास में पार्थ सारथी मंदिर है, विशाल पुराना, 2000 साल पुराना मंदिर मानते हैं उसको। वहाँ पे भगवान कृष्ण का जो, क्या हो गया इसमें, भगवान कृष्ण का जो, वहाँ पे जाके देखो, उनका जो रूप है वो ऐसा ही है जैसे एक जो सारथी होता है वो बड़ी बड़ी मूछें रखता है, है, और चलता है। तो वहाँ भगवान कृष्ण की मूछें हैं, बड़ी बड़ी मूछें हैं वहाँ पे, एकदम 10 फुट की मूर्ति है पुरानी पत्थर की। तो ऐसे ही हमारे अंदर एक सारथी है, तो वो जो सारथी है, उस सारथी को हम अगर किस रूप में देखें, बोले बुद्धि जो है वो सारथी है। तो हमारी जितनी भी प्रार्थनाएं होती हैं, हम सब कहते हैं हे प्रभु, मेरी जो बुद्धि है वो ठीक रास्ते पे चले। अर्थात जो अंदर चलाने वाला है, जो बुद्धि है, वो कुछ गलत ना सोचे, गलत रास्ते पे ना जाए, अपना विवेक जागृत रहे। कहते जो बुद्धि सारथी सर्वदा संयमित मन के साथ युक्त होकर, संयमित मन, मन में कुछ प्रकार का संयम होना चाहिए। संयम अर्थात वो किसी न किसी रूप से कुछ चीज़ों को वो ना कहता है। अब हमारे मन में उठने वाली सारी चीज़ों को अगर हम हाँ कहने लग पड़े तो हमारा जीवन
अत्यंत ही दुखमय हो जाएगा। वो व्यक्ति मानो अपना आपा खोल चुका है। चल रहा है, हेलो। वो अपना जो उस आपा खो चुका है। तो जैसे हम किसी पागल को देखते हैं किसी रोड पर, वहाँ पे ठीक ठीक, तो किस रोड पर कोई व्यक्ति जा रहा है, इधर उधर घूम रहा है, तो कहते क्या वो पागल है। अर्थात उसने मन के अंदर जो एक कंट्रोलिंग फैक्टर होता है वो उसको वो खो चुका है। तो किसी ना किसी रूप से अपने मन को संयमित रखने के लिए हमें कुछ चीज़ों को ना कहना ही चाहिए, नहीं तो हम मनुष्य नहीं कहलाएंगे, नहीं तो हम जीवित प्राणी नहीं कहलाएंगे। कुछ चीज़ें हमारे पास आती हैं, हमारे दरवाजे पर खटखटाती हैं, तो हमें उनसे विचार करना चाहिए उचित है या अनुचित है। तो मन के साथ युक्त होकर उचित और अनुचित विषय में जो विवेकी व्यक्ति है उसकी जो इंद्रियां हैं वो सारथी के भले घोड़ों की भांति वश में रहती। भले घोड़े, कुछ घोड़े होते हैं बड़े उद्दंड होते हैं, बड़े शैतान होते हैं, उनके ऊपर कोई बैठने का कोशिश करे तो गिरा देते हैं, कभी कभी उनकी पीठ भी तोड़ देते हैं। तो बोलते हैं कि ये जो अंदर से हमारी जो इंद्रियां हैं ये कभी कभी देखो इंद्रियां हमको कहाँ से कहाँ तक ले जाती हैं। एक व्यक्ति, उसको सुबह 10 बजे कॉफ़ी पीने की इच्छा थी। वो किसी ऑफिस में काम करते थे, असल में वो प्रोफेसर थे। अब 10 बजे उनको कॉफ़ी चाहिए, वो ऐसी कॉफ़ी ऐसी उनको लत लगी हुई है कि अगर वो नहीं आती तो क्या करें। एक बार ऐसे ही 10 बज गए, देखे कॉफ़ी नहीं आई, इधर उधर खोजा नहीं आई, चलो फिर बाहर जाके देखते हैं। तो बाहर जाके देखे यहाँ नहीं मिल रही, 5-6 किलोमीटर चल के चले गए सिर्फ एक कप कॉफ़ी के लिए। तो हमारी इंद्रियाँ हमको कहाँ से कहाँ ले जाती। एक व्यक्ति बैठा हुआ है, उसकी वो इंद्रियों से उसको इच्छा होती है तो फिर वो उसको नियंत्रण में नहीं लाता। तो ऐसे ही मानो बाकी सब इंद्रियाँ भी हैं। तो इसको घोड़ों का एक उदाहरण दिया गया है कि घोड़े भी ऐसे हो सकते हैं, हमारी बात नहीं सुनते, ऐसे हमारी इंद्रियां हमारी बात नहीं सुनती। आजकल तो उसको लेके गाना भी बना हुआ था, है दिल मांगे मोर मोर। अब मोर शब्द का अगर देखें तो अगर इंग्लिश का अगर हम मोर लें तो ये कभी ख़त्म नहीं होता। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक भी आता है, श्लोक कहता है कि हमारी जो इच्छाएँ हैं वो मानो आँख की जैसे। अब कोई कहे कि मैं आग को बुझा रहा हूँ, भाई कैसे बुझाऊँगा, मैं इसमें थोड़ा घी डाल देता हूँ, ये क्या तरीका हुआ। क्या आग में घी डालने से क्या आग बुझती है? नहीं बुझती है, वो तो और बढ़ जाती है। इसी प्रकार से मैं अपनी इंद्रिया की इच्छाएं हैं उन्हें पूर्ण करता जाता हूँ, पूर्ण करता जाऊँगा तो आग कम होती जाएगी। ये कितना उसको भ्रम हो गया है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा है कि इंद्रियों का संयम होना चाहिए, इच्छाओं का संयम होना चाहिए। तब उसका, जैसे हमने प्रारंभ में कहा, एक समाज में कैसे जो अपराध वृत्ति है, भ्रष्टाचार की वृत्ति है, गलत तरीके के आचरण की जो वृत्ति है, उसके पीछे भी क्या है, ये असंयमित मन, असंयमित इंद्रियां और दूषित बुद्धि। तो बुद्धि की पवित्रता अर्थात बुद्धि में कभी भी सिर्फ स्वार्थपन ना आए, सिर्फ मैं ही और मेरी इच्छाएं पूर्ण होनी चाहिए, ये मन में जब लगा रहता है तो उसके जीवन से त्याग चला जाता है। और जब त्याग चला जाता है तो त्याग रूपी निधि जब उसके मन से चली जाती है तो फिर वो दुखी हो जाता है। इसलिए गीता के 12वें अध्याय में बात आती है कि जब तक त्याग नहीं होता तब तक मन की शांति नहीं होती। त्यागात शांतिरनंतरम। अब त्याग का अर्थ ये नहीं कि वस्त्र चेंज कर लो और नाम परिवर्तन कर लो, सन्यासी बन जाओ, ये एक बाहरी चीज़ें होती हैं जिनका अपना एक महत्व होता है, लेकिन आंतरिक त्याग है उसकी बात यहाँ पे कही जा रही है। आंतरिक त्याग क्या है? आंतरिक त्याग ये है कि हमारे मन में जो आसक्तियाँ हैं,
जो हमारे मन में द्वेष की वृत्तियां हैं, जो हिंसा है, जो स्वार्थ है, उसका त्याग ही आंतरिक त्याग माना जाता है। तो यहाँ पे जो बात कही गई कि मनुष्य के व्यक्तित्व की ओर देखें तो मानो वो एक रथ है, और उस रथ की अगर इंद्रियां सधी हुई हैं, जैसे घोड़े सधे होते हैं ना वैसे, अब कहाँ तक इंद्रिय निग्रह हो सकता है, इसका एक उदाहरण हम श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन में पाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु, जैसा कि हम जानते हैं, 500 साल पहले एक महान आध्यात्मिक पुंज थे। अब वो अत्यंत ही तीक्ष्ण बुद्धि के थे। वो छोटी उम्र में जब पढ़ते थे उसको न्याय शास्त्र कहते हैं। न्याय शास्त्र में उनकी बड़ी, वो बड़े दक्ष थे, लेकिन उस न्याय शास्त्र के कारण, क्योंकि वो सबको हरा देते थे, न्याय अर्थात तर्क, तो तर्क करने की क्षमता ऐसी थी कि लोगों को हरा देते थे, और हराने से लोगों को जो हार होती थी, कभी कभी कुछ लोग अपने आप को मार लेते थे, ऐसी भी कुछ स्थितियाँ आईं। तो फिर वो, उन्होंने धीरे धीरे, उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया। वो एक बार जब मंदिर में जाते हैं, जगन्नाथपुरी या फिर किसी और मंदिर, तो उनके जीवन में एक अद्भुत, एक ट्रांसफॉर्मेशनल मोमेंट आती। फिर उनके मन में एक त्याग, विवेक, वैराग्य की बात जब उदय होती है, तब तक उनका विवाह हो चुका होता है। अब वो जाना चाहते हैं कि वो इस तरह का जीवन जिए, तो बहुत लंबी कहानी है, उसमें शॉर्ट में कहेंगे तो वो अपने गुरु केशव भारती के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि उन्हें वो सन्यास की दीक्षा दें। अब केशव भारती देखते हैं चैतन्य प्रभु की ओर और कहते हैं, अरे तुम तो भगवान की कृपा से इतने सुंदर हो, तुम्हारे मुख पे, शरीर पे ऐसी एक अद्भुत सुंदरता है, तुम अगर सन्यासी बन जाओगे तो अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर पूरे सन्यास के की परंपरा पर एक दोष लगेगा, तो मैं तुम्हें कैसे सन्यास दूँ। तो वो कहते हैं, अच्छा प्रभु इसके लिए क्या चाहिए, तो इंद्रिय संयम है तुम्हारे पास। बोले आपकी कृपा से है। तो केशव भारती मानो उसको टेस्ट करते, क्या करते हैं, बोलते हैं आप अपनी जीभ बाहर निकालो। वो निकालते हैं, कहते हैं अब मैं इसमें चीनी डालूँगा, तुम इसको एकदम खाना नहीं। अब ऐसे की जाता है, चीनी डालते हैं और फिर कहते हैं कुछ समय के बाद, अब इसको फूंक मार के उड़ा दो। और चैतन्य महाप्रभु फूंक मार के उसको उड़ा देते हैं। ऐसा अद्भुत संयम। अब देखिए ना, जीभ से, जीभ तो रस्ती है, उसमें तो एक व्यक्ति का होता ना, मुंह से, मुंह में पानी भर जाता है, कोई चीज़ जो उसको बड़ी प्रिय हो रखने की तो दूर, वो पानी, उसकी बात सुन के पानी भर जाता है। उसका कहो कि वो आम का अचार, उसके मुंह में पानी भर जाता है, गोल गप्पे, उसका मुँह में पानी भर जाता है, या कोई भी वस्तु हो जो उसको प्रिय हो। तो ठीक ऐसे ही वो उसका जो संयम होता है बस उतना ही होता है कि जब तक वो चीज़ आई नहीं, लेकिन यहाँ पे ऐसा अद्भुत संयम। तो ये बात उपनिषद में कह रहे हैं कि जिसका, जिसकी इंद्रियाँ ऐसी हैं, तस्य अश्व स्थानियानि इंद्रियाणि प्रवर्तयितुं निवर्तयितुं वा शक्यानि वश्यन्ति दान्ताः। अर्थात जितना उसको उद्देश्य दिया जाए, कहा जाए तुम यहाँ जाओ तो यहाँ जाती, यहाँ मत जाओ तो वहाँ मत जाती, नहीं जाती। तो जब मन, पूरा एक मन है, पूरा जो इंद्रिय तंत्र है, ये पूर्ण रूप से व्यक्ति संयमित हो गया है, तो बोलते ऐसा व्यक्ति, विवेकवान व्यक्ति, वो बड़े आनंदपूर्वक अपना जीवन जीता है। तो वो, उसके पास अगर भोग होता है, भोग की सामग्री आती है, उसमें भी वो संयम करने में सक्षम होता है। तब क्या होता है उसका, हम अगले बार पढ़ेंगे। ये ऐसा व्यक्ति
सतत पदमाप्नोति संसारम अधिगच्छति, वो उस पद को प्राप्त करता है। पद अर्थात तो कहीं चेयरमैन नहीं बन जाता, संसार में हायरार्की रहती है, कुछ ना कुछ बनेगा वो आगे। आज क्लार्क है, फिर ऑफिसर बनेगा, फिर कुछ बनेगा, फिर कुछ बनेगा, उसकी प्रमोशन होगी। ये उस प्रकार का पद नहीं है। पद अर्थात यहाँ पे कि वो उसका जो एक आध्यात्मिक जो सत्ता है वहाँ पे पहुँचेगा, अब उसे और कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। संसार के जितने भी पद होते हैं ना, वो अपने आप में क्षणिक होते हैं। क्षणिक मतलब हो सकता है 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, फिर उसके बाद में चले जाते हैं। लेकिन इस जिस पद की बात यहाँ हो रही है वो हमेशा रहता है। वो कैसे मिलेगा? बोले वो इंद्रिय निग्रह से और बुद्धि की पवित्रता और हमारे पूरे व्यक्तित्व में वो परिवर्तन लाने से। जैसे कि एक निपुण सारथी होता है, वैसे ही जीवन चलाने से वो मिलता है। इसको लेके और चर्चा हम अगली बार करें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।